हेलो एंड वेलकम टू आई पाठ चलो यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजू और हम क्लास 6th के सिविक्स का चैप्टर 5th पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने चार चैप्टर डाल दिए हैं और अगर आपने वो चार चैप्टर्स नहीं पढ़े तो जल्द से जल्द जाके पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैप्टर का नाम है पंचायती राज। पंचायती राज होता क्या है? पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारे नॉर्मल पीपल्स हो गए हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी खुद की बनाई हुई गवर्नमेंट में, जो वो गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करते हैं उस गवर्नमेंट में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में तीन लेवल की जो गवर्नमेंट है, हमारे तीन लेवल की गवर्नमेंट में हमारे देश में काम होता है, जो कि सबसे पहला जो होता है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके इसके इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो गए ये लोग काम करते हैं। और जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें हमारे CM काम करते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर काम करते हैं हमारे लोगों के लिए, उनकी प्रॉब्लम सुलझाते हैं। और जो लोकल गवर्नमेंट हो गई वो हो जाती है जैसे हमारी पंचायती राज हो गई। ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो हमारे दोनों सिटीज़ और जो विलेजेस है दोनों में है। विलेजेस में इनको हम पंचायती राज कहते हैं, पंचायत कहते हैं, जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं और वो हमारे गांव के विकास के लिए काम करते हैं। और जो सिटीज़ हो गए उनमें म्यूनसिपैलिटीज़ होती है जो वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सुलझाती है। वहाँ जैसे पानी की दिक्कत हो गई, रोड की दिक्कत हो गई, उन सब की चीज़ वो जो सारी चीज़ें हैं वो उनको सुलझाती हैं और उसके ऊपर काम करती है जो हमारे लोकल पीपल्स हैं वहाँ के रहने वाले उनके लिए काम करती है। आज का दिन बहुत स्पेशल है, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होके ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो हमारी जो ग्राम सभा है, हमारी जो इलेक्शन के बाद पहली बार उसकी मीटिंग हो रही है और जो हमारी इलेक्शन है उसके बाद हमारे जो नया नया ग्राम पंचायत बना है उसकी मीटिंग है आज। ये कहाँ के लोगों के बारे में बता रखा है? ये जो हरदासपुर विलेज है, हरदास विलेज है, वहाँ के लोगों के बारे में बता रखा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वो लोग बहुत, उनके लिए वो जो दिन है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग है उनके लिए, क्योंकि नया नया इलेक्शन हुआ होता है उसके बाद फर्स्ट मीटिंग है जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं। इसमें जो गाँव के सारे लोग हो गए वो लोग इकट्ठा होते हैं और जो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखा रखी है, यहाँ पे ये जो है, ये जो पांच लोग हैं इनको कहा जाता है पंचायत। इसमें से एक जो होता है वो मुखिया होता है और ये जो 4 मेंबर्स होते हैं इनको सलाह, हमारे जो मुखिया होते हैं इनको सलाह देते हैं, मतलब जो गांव के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए इनको उस चीज़ के लिए ये लोग सलाह देते हैं। और जो हमारे गाँव के इनको कहते हैं ग्राम सभा, जो हमारे गाँव के नॉर्मल पीपल्स हो गए इनको कहते हैं ग्राम सभा। ये लोग इस सभा में आते हैं और अपनी अपनी दिक्कतें बताते हैं यहाँ पे कि गाँव में हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ की दिक्कत है हमारे गाँव में। यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि जो हमारे जो पंचायत है, पंचायत का जो लीडर है वो क्या प्लान कर रहे हैं हमारे विलेज के लिए। जैसे आपको यहाँ पे बॉक्स में बता रखा है, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बता रखा है ग्राम सभा के बारे में बता रखा है। ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें सिर्फ एडल्ट जो हो गए, जो 18 ईयर्स ओल्ड है ना उतने होते हैं या फिर उससे ज़्यादा जो होते हैं, 18 प्लस होते हैं, 18 ईयर्स के जो लोग होते हैं जो एडल्ट कहलाते हैं, वो लोग इस पंचायत में भाग लेते हैं, इस सभा में आते हैं वो लोग। यहाँ पे जो पंचायत है उनके अंडर में जो भी विलेजेस, जो भी एरिया आ रहे हैं, उस विलेज और एरिया के जो लोग हैं वो आते हैं इस पंचायत में, इस सभा में, जो 18 प्लस हैं या 18 के हैं। यहाँ पे हो सकता है या तो एक गांव हो गया, एक से ज़्यादा गांव हो गया, इतने उस गांव के जो लोग हैं वो आते हैं इस मीटिंग में और वहाँ अपनी अपनी दिक्कतें रखते हैं। इस मीटिंग में जो है एक जो मुखिया होता है उसको कहते हैं, यहाँ पे 5 पंच आते हैं, यहाँ पे उसका जो मुखिया होता है उसको कहते हैं हम लोग सरपंच, सरपंच कहते हैं, वो इस मुखिया में हेड होता है वो, और वो ही वही हमारे जो गांव की जो दिक्कतें हैं उसको सुलझाने के लिए वही डिसीजन लेता है। जो 18 प्लस के लोग होते हैं और 18 उससे जो छोटे होते हैं उन लोगों को यहाँ पे आने का अधिकार नहीं है, वो लोग इस मीटिंग में नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पे वही लोग बैठते हैं जिसको राइट टू वोट है, जिसको वोट देने का अधिकार है और जिनका नाम जो वोटर लिस्ट होती है गाँव की बनती है उसमें अगर उनका नाम है उन्हीं लोगों को यहाँ पे आने का अधिकार है और वही लोग आके इस सभा को ज्वाइन करते हैं और इस सभा में बैठते हैं और अपनी अपनी दिक्कतें बताते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा ग्राम सभा। ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो बिगिन की गई किसके थ्रू? पंचायत प्रेसिडेंट। पंचायत प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है? पंचायत प्रेसिडेंट होता है जो कि जिसको सरपंच कहा जाता है। सरपंच इन सारे पंचायत जो हमारी जो पंचायत है जो 5 मेंबर्स की वो होती है उनका होता है मुखिया। हमारा जो सरपंच है वो इस पंचायत का मुखिया होता है और बाकी सारे जो मेंबर्स हो गए इस पंचायत के उनको क्या कहा जाता है? पंच, पंच कहा जाता है। और इन्होंने जो पंच हमारे जो सरपंच है इन्होंने हमारी जो भी आगे का जो प्लान इन लोगों ने बना रखा था वो सारे लोगों के सामने प्रेजेंट किया
उन्होंने हमारे जो गांव, उनके जो गांव हरदासपुर जो है वहाँ के गांव का जो रोड है उसको कनेक्ट करने की बात की, उसकी मरम्मत करने की बात की कि वो जो रोड है उसकी मरम्मत करके जो गांव से जो निकाली गई रोड है उसको वो लोग हाईवे से टच करेंगे, मतलब हाईवे से मिलाएंगे, जिससे मतलब लोगों को आने जाने में इजीली, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, हाईवे वो होता है जहाँ से मतलब एक एक जो जगह है वहाँ से दूसरी जगह को कनेक्ट करते हैं, एक स्टेट से दूसरे कनेक्ट को स्टेट कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं हाईवे। तो वो जो पंचायत का जो सरपंच है उसने डिसीजन लिया है कि वो जो गांव की जो सड़कें हैं जो टूटी फूटी हैं उसको मरम्मत करवाएगा और गांव से ही एक रोड निकाल के हाईवे से ज्वाइन करेगा। ये डिसीजन के बाद अगला डिसीजन जो होता है, अगले डिसीजन पे जो बात होती है वो होती है वाटर की समस्या। जो वाटर हो गए, वाटर जो वहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, मतलब वाटर की जो कमी है, पानी की कमी है वहाँ पे, उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर बात होती है। तो एक विलेज की जो एक लड़की है जिसका नाम होता है तिजिया, वो स्टार्ट करती है कि हम उस मीटिंग में जो स्टार्ट करती है कि हमारे जो गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हरदासपुर में बहुत ज़्यादा एक्यूट, मतलब बहुत कम पानी है हमारे गांव में और जितना हमें चाहिए हमें उतना अवेलेबल नहीं हो पाता है हमारे लिए पानी, क्योंकि जो हमारे जो पंप वाटर है, जो जो हमारी पंप वाटर वो होता है जिसको हम लोग हैंडपम्प कहते हैं, उसका जो पानी है उसका, और जो वेल मतलब कुआं, कुएं का जो पानी है वो बहुत नीचे, और ज़्यादा ग्राउंड ग्राउंड वाटर है वो और ज़्यादा नीचे चला जा रहा है, इसकी वजह से हमें पानी नहीं मिल पा रहा है। हमें बहुत मुश्किल से जो टैप है, मतलब नलका है, नलके में से पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। इसी वजह से हमारे जो गांव की औरतें हैं उन लोगों को 3 किलोमीटर चल के सुरु रिवर से पानी लेके आना पड़ता है। 3 किलोमीटर जाती हैं फिर वहाँ से आती है पानी लेके, लेकिन उनको जितना भी पानी चाहिए होता है वो उतना अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक इंसान कितनी, औरतें कितनी, कितना पानी उठा के लेके आ पाएंगी। इसीलिए जो वहाँ के जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उन्होंने उनके सामने बताया कि उनको क्या क्या दिक्कतें हैं। तो वहाँ का एक मेंबर है उसने शुरू की जो ये जो उसने ये रखा पॉइंट, उसके ऊपर एक सजेशन दिया कि जो हमारे गांव से जो शुरू नदी है वहाँ से एक हम लोग पाइप लेके आ जाते हैं, मतलब पाइप वहाँ से बिछा के लेके आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा टैंक है उसमें हम पानी स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे गांव में जो पानी की जो वो है, वाटर की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हमें हमारे गांव के लोगों के लिए पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, उन लोगों को बहुत इजीली पानी मिल जाएगा अगर हम वो वहाँ से एक पाइप बिछा के हम लोग अपना टैंक भर ले, एक बड़ा सा टैंक भर ले तो वहाँ से लोग पानी भर सकते हैं। लेकिन जो गांव के और भी लोग हैं उन लोगों को ये सजेशन सुन के उन लोगों को लगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, इसलिए इसको करने के लिए उन लोगों ने कैंसिल कर दिया कि ये नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने इससे अच्छा सोचा कि इससे बेटर जो है हमारे लिए कि हम लोग जो वहाँ का जो हैंडपम्प है उसको और जो वहाँ के जो वेल हैं उन लोग उनको क्लीन करवा दे, उनको साफ़ करवा दे उस सीज़न के लिए और वहीं से पानी भरे। ये बात तीजिया ने कही उनसे, लेकिन तीजिया ने ये भी कहा कि इतना पानी जो वहाँ से निकलता है वो हमारे लिए इनफ नहीं है, हमारे लिए उतना नहीं है, क्योंकि हमारे जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो हर साल हर ईयर नीचे होता जा रहा है, मतलब और ज़्यादा नीचे चला जा रहा है, उसका लेवल बढ़ नहीं रहा बल्कि और ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो हमारे गाँव के जो लोग हैं वो वहाँ का पानी बारिश से जो भर रहा है उससे ज़्यादा तो वहाँ के लोग यूज़ कर लेते थे, जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज़ ज़्यादा कर लेते थे, उसको भरने से ज़्यादा वो लोग यूज़ ज़्यादा कर लेते थे। तो वहाँ का जो दूसरा मेंबर होता है एक, वो जिसका नाम होता है अनवर, वो वहाँ पे बताता है सबको कि उसने जब वो महाराष्ट्र के एक विलेज में अपने भाई से मिलने के लिए गया था तब उसने वहाँ पे एक प्रोग्राम देखा था जो वहाँ के जो लोगों ने ना कंजर्विंग वाटर, मतलब वाटर को बचाने के लिए और उसको रिचार्ज करने के लिए, रीफिल करने के लिए जो उन लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसको कहते हैं वाटरशेड। वाटरशेड प्रोग्राम होता क्या है वो हम नीचे पढ़ेंगे। और उसने बताया कि उसके लिए जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने उन लोगों को पैसे भी दिए थे कि वो लोग इस प्रोग्राम को चलाएं और वहाँ के लोगों के लिए पानी स्टोर करें। इस वाटर शेड प्रोग्राम जो है, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको चलाकर वहाँ के लोगों के लिए पानी अवेलेबल कराया। जब वो अपने भाई के विलेज में गया था तो उसने वहाँ के लोगों को देखा था कि उन लोगों ने वहाँ पे जो ट्रीज़ है वो वहाँ पे प्लांट कर दिए। यही होता है वाटर शेड में कि वहाँ उसमें ट्रीज़ प्लांट कर लेते हैं, ट्रीज़ उगाते हैं, क्योंकि ट्रीज़ उगाएंगे तो वहाँ के जो लोग, ट्रीज़ उगाने से बहुत फ़ायदा होता है, ये भी चीज़ें आती है वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और उन्होंने वहाँ पे चेक डैम्स, चेक डैम्स होता क्या है, चेक डैम्स मतलब जैसे उन लोगों ने एक गड्ढा कर दिया
जो बारिश का पानी जो होता है ऊपर से, जैसे बारिश का पानी आ रहा है तो वो इस गड्ढे में, मतलब एक टैंक टाइप का बना दिया, उस गड्ढे में वो बारिश का पानी फिल हो जाता है। इसको चेक डैम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो है इन लोगों ने जो पत्थर है पत्थरों से इसको कवर कर दिया, जिसकी वजह से ढक दिया इसको, जिसकी वजह से जो गंदगी है वो इसके अंदर ना जाए और पानी को गंदा ना करे, और जो ये बारिश का पानी है वो साफ सुथरा इसके अंदर जाके स्टोर हो जाए और लोगों को पानी मिल जाए। इन लोगों ने इस चेक डैम्स को भी बनाया, और जो टैंक्स है मतलब जगह जगह इन लोगों ने टैंक्स बना दिया, खोद दिया, जिसकी वजह से वहाँ का पानी जो बारिश का पानी जो आएगा वो स्टोर हो जाएगा और इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल पाएगा। ये चीज़ जब उस लड़के ने बताया, अनवर ने बताया इन लोगों को, तो उन लोगों को जो वहाँ पे जो ग्राम सभा में लोग थे उनको भी, और जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, पंचायत के जो 5 मेंबर्स थे, उन लोगों को भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने उन अपने जो सेक्रेटरी है उसको बोला कि इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल निकाले, जिसकी वजह से हम लोग ये प्रोग्राम अपने गाँव में भी कर सके, जो कि है वाटरशेड प्रोग्राम। इसमें ट्रीज उगाते हैं और जैसे डैम्स, चेक डैम्स बना दिए ये पत्थर से कवर करके, पानी भर जाए जिसकी वजह से इसके अंदर रेन का वाटर जो है वो भर जाए, और जो जगह जगह टैंक्स उन लोग बना दे जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के लिए पानी अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे आपको बॉक्स में बता रखा है कि जो हमारे पंचायत के जो लोग हैं वो कैसे चुने जाते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारे जो विलेजेस हो गए हैं उसको ना डिवाइड कर देते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वार्ड्स में, मतलब एरिया के हिसाब से उनको डिवाइड कर देते, जैसे एक गांव है इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया वार्ड्स में, अलग अलग वार्ड्स में इनको डिवाइड कर दिया, और हर वार्ड से ना एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मेंबर खड़ा होता है हर वार्ड से, वो लोग खुद डिसीजन लेके उनको खड़ा करते हैं। इस पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं इसमें उन लोग रिप्रेजेंट को खड़ा करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग वार्ड मेंबर, जिनको पंच भी कहा जाता है, जो एक सरपंच के अलावा जो बाकी होते हैं उनको पंच कहा जाता है। वहाँ के जो गाँव के लोग हैं इन लोगों को वोट दे के, ग्राम सभा के लोग जो कहे जाएंगे जो 18+ है या फिर 18 के हैं जिनके पास वोट देने का अधिकार है, वो लोग इनको वोट देके इन लोगों को चुनते हैं। इसमें से वो लोग 5 लोगों को भी चुनेंगे और सरपंच, सरपंच जो एक मुखिया हो गया उसको भी चुनेंगे, जो 5 मेंबर्स हो गए, 5 में से जो एक मेंबर हो गया उसको सरपंच कहा जाता है, और जो 4 हो गए उनको पंच कहा जाता है। तो इन 5ों को जो गाँव के लोग हैं वो लोग चुनते हैं, और जो मेन जो मुखिया होता है सरपंच, उनको भी गाँव के ही लोग चुनते हैं। उसके बाद जो ये इलेक्शन होता है, ये जो इलेक्शन है वो 5 साल में होता है, और हर साल हर 5 साल में अलग अलग सरपंच और पंच चुने जाते हैं। इसमें जो मेन इन लोगों के साथ जो काम करने वाला इंसान होता है वो एक होता है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कहा जाता है, जो वहाँ यहाँ की खबरें रखता है, मतलब कि क्या इनकी सभा में क्या बातचीत हुई, इसको सेक्रेटरी कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट इसको चुन के देती है, ये परमानेंट होता है। जैसे पंचायत जो हो गई वो हर 5 साल में चेंज होता है, ये सर सेक्रेटरी ये चेंज नहीं किया जा सकता, इसको गवर्नमेंट चुन के देती है हर एक विलेजेस के लिए। और जो ये सेक्रेटरी का जो काम होता है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको ये देखना होता है कि मीटिंग कब कहाँ और कैसे होनी है, मतलब वो लोग जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं, जो ग्राम सभा में जो लोग हैं 18 या 18+ से लोग, उन लोगों को जमा करता है, उनको बताता है कि कब कैसे कहाँ पे होनी है मीटिंग, और जो ग्राम पंचायत में जो मीटिंग में जो वहाँ पे जो बातचीत होती है या फिर जो डिसीजन लिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड रखता है ये, इसको रिकॉर्ड रख के लिखना पड़ता है, और जो भी इसको वहाँ पे जो बोले जाएगा, जो सरपंच बोलेगा, जो मुखिया होगा वो बोलेगा, इसको वो काम करना पड़ता है। पंचायत का जो नेक्स्ट एजेंडा या फिर नेक्स्ट टॉपिक मान लो जिसके ऊपर उनको बात करनी थी, डिस्कस करना था ग्राम सभा से, वो था बीपीएल के बारे में। बीपीएल का फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने ना एक लाइन सेट कर रखा है इनकम के बेसिस पे, अगर किसी की इनकम उससे ज़्यादा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर वाली लाइन में आएगा, मतलब वो बीपीएल मतलब गरीब नहीं कहा जाएगा, और जिनका जो उस बिलो पॉवर्टी लाइन जो लाइन जिन्होंने इनकम के बेसिस पे सेट कर रखी है, अगर उससे कम है, इनकम के बेसिस पे कम है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाली लाइन में आएंगे, उनको गरीब कहा जाएगा। जिनको जो हमारी गवर्नमेंट है वो सहायता प्रोवाइड करती है, उनकी जो हेल्प करती है, इस चीज़ के बारे में उसमें ग्राम सभा में बात होनी थी। जैसे ही इस चीज़ के ऊपर बात शुरू की जाती है ग्राम सभा में, तो जो लोग वहाँ पे जो बैठे होते हैं, जब ये लिस्ट उनके सामने रखी जाती है, जो वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो लोग विस्पर, मतलब एक दूसरे में, एक आपस में खुसफुसाहट सी करने लगते हैं, मतलब बातचीत करने लगते हैं, कि जो जैसे कि इस लिस्ट में नटवर का नाम था, कि नटवर जो है उसने अभी भी एक कलर टीवी लिया है, और उसका जो बेटा है उसने अभी इसको एक नई मोटरसाइकिल भेजी है, मतलब मोटरसाइकिल खरीद के उसके पास भेजी है गांव में, तो उसका नाम कैसे आ सकता है बिलो पॉवर्टी लाइन में। ये सूरजमल ने जो है उसके साथ में जो आदमी बैठा है, जो पर्सन उसके साथ में बैठा है, उससे बोला, जो सूरजमल है उसने सुखी बाई से बोला कि जो बिरजू है
उसका नाम इस लिस्ट में कैसे आ सकता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत ज़्यादा लैंड है और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसका नाम इस पुअर पीपल, क्योंकि वो पुअर भी नहीं है, तो उसका इस पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन में कैसे नाम आ गया? बल्कि जो ओम प्रकाश है, जिसके पास लैंड नहीं है, वो लेबर का काम करता है, उसके पास रहने की ज़मीन नहीं है, खुद का घर नहीं है, उसको इस बिलो पॉवर्टी लाइन में उसका नाम ना आते हुए इन दोनों का नाम कैसे आ गया? इस चीज़ के बारे में जो लोग वहाँ बैठे थे, उन लोगों के बीच में बात होने लगी। तो जो लोग हैं उन लोगों ने बातचीत की कि जो नटवर और बिरजू है वो फ्रेंड थे किसके? अमीर चंद्र। अमीर चंद्र वो है जिसको जो ग्राम पंचायत है उसने काम दिया था इस चीज़ पे सर्वे करने का गांव में, कि कौन कौन किस किस का इस लिस्ट में, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो लिस्ट है इसमें नाम आता है। तो इनका जो ये जो दोस्त है, ये नटवर और बिरजू थे, तो उन्होंने उस उनके फायदे के लिए अमीर चंद्र ने इन दोनों का नाम अपन, क्योंकि उसका दोस्त था तो उसने उनके फायदे के लिए अपना पावर यूज़ करते हुए उसने, अमीर चंद्र ने इन दोनों का नाम इस लिस्ट में डाल दिया कि उनको फायदा हो सके। जो सुखी भाई है उसने बताया कि जो अमीर चंद्र है उस वो पहले ज़मींदार रह चुका है, उसके पास जो है लैंड, वो लैंड ऑनर है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें रह चुकी हैं, पहले भी नहीं बल्कि जो अभी भी है गांव में उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, उसके पास ज़मीनों की कोई कमी नहीं है। तो उसने कैसे ओम प्रकाश का नाम नहीं डाला इस लिस्ट में, बल्कि जिसके पास पैसे हैं, जिस जो उनके दोस्त है उसने उनका नाम डाल दिया, जिसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश जिसके पास रहने का घर नहीं है, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो लेबर का काम करता है, उसका इस लिस्ट में नाम ना डाला। जो सरपंच है, जो पंचायत के जो प्रेसिडेंट कहलाते हैं सरपंच, उसने उन्होंने नोटिस किया कि जो लोग हैं उन लोगों के बीच में विस्परिंग हो रहा है, मतलब खुशबुसाहट सी हो रही है, और उन्होंने उनसे पूछा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे बता सकता है। तो सूरजमल है उसने प्रवोक सूरज है जिस उसने प्रवोक किया सूरजमल को कि वो बताए कि जो नटवर है और बिरजू है उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उनका नाम इस पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गया। बट लेकिन जो वो सूरजमल है वो वहीं चुपचाप बैठा रहा, उसने कुछ नहीं बोला पंचायत सरपंच के सामने। जो अमीर चंद्र है वो बैठे बैठे सबको नोटिस कर रहा था कि ग्राम सभा में क्या हो रहा है, उसने सबके ऊपर नजरें रखी थी कि लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या उसके बारे में बोल रहे हैं, उनकी खुशपटाहट सुनने की कोशिश कर रहा था और सब पे उनको नजर रख रहा था। तो उसके बाद जब सूरजमल उठा नहीं उनको बताने के लिए सरपंच को, तो फिर जो सूरज है वो उठा और उसने बताया कि जो ओम प्रकाश है उसका, जिसका इस लिस्ट में नाम आना चाहिए, उसके पास ज़मीनें नहीं हैं, लेकिन उसका नाम इस लिस्ट में नहीं डाला गया। और जो वहाँ पे जो लोग और भी लोग बैठे थे उन्होंने, और उनकी जो फैमिली है, उन लोगों ने भी एग्री किया कि जो ओम प्रकाश है और उसकी जो फैमिली वो बहुत ज़्यादा पुअर है। तो सरपंच ने बोला कि उसका नाम इस लिस्ट से कैसे मिस हो गया, उसने जो पर्सन जिसने इसका सर्वे किया था, बीपीएल का जो सर्वे किया था, उससे पूछा कि उसका नाम इस लिस्ट में कैसे मिस हो गया। तो उसने बताया कि जो ओम प्रकाश है उसका, जब वो उसके उसके घर पे गया तो उसका जो घर है वो बंद था, मतलब उसमें लॉक लगा हुआ था। जब वो उसके घर पे गया तो उसने बोला कि शायद वो बाहर काम के लिए, वर्क काम ढूंढने के लिए गया होगा, इस वजह से उसके घर पे ताला लगा है। तो जो सरपंच है उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि ओम प्रकाश की जो फैमिली इनकम है उसको देखा जाए और पता किया जाए कि अगर वो उस इनकम से लेस है जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है तो उसका नाम इस लिस्ट में डाला जाए, और अगर उससे ज़्यादा है तो ना डाला जाए, जो कि लोग कह रहे थे उसके बारे में, बात कर रहे थे कि उसका नाम इस लिस्ट में आना है। तो उसने सरपंच जो है उसने इस चीज़ को सर्वे, इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया कि उसको सर्वे किया जाए कि उसकी फैमिली इनकम कितनी है, गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट की जो इनकम सेट की गई उससे ज़्यादा है तो ना डाली जाए, और अगर कम है तो उस लिस्ट में उसका नाम डाला जाए। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अगले पार्ट में, जो कि है पार्ट 2। जय हिंद, जय भारत।